नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नवाब मैसूर अली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। नवाब मैसूर अली का जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये पटौदी नगर से संबंध रखते हैं। भाई कहाँ से रखते हैं? पटौदी नगर से, जो कि गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1962 में भारतीय टीम के कप्तान बनने वाले हरियाणा के प्रथम खिलाड़ी थे। भाई कौन थे? नवाब मैसूर अली हरियाणा के पहले खिलाड़ी थे जो कप्तान बने थे भारतीय क्रिकेट टीम में। इनका उपनाम टाइगर था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, आया हुआ है, पूछा हुआ है एचएसएससी में कि टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैसूर अली जी को जाना जाता है। 1969 में इन्होंने अपनी आत्मकथा टाइगर टेल लिखी। टाइगर टेल किसकी कथा है? मैसूर अली की। किसने लिखी? इन्होंने खुद ने लिखी। कब लिखी? 1969 में। और 1969 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा हम पढ़ेंगे चौधरी बंसीलाल जी के बारे में, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ। इन्हें लोह पुरुष व आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कि हरियाणा का लोह पुरुष किसे कहते हैं, हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं। ये 7 बार विधानसभा के सदस्य व 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 1 जुलाई 1996 में शराबबंदी का कानून लागू किया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि शराबबंदी कब लागू हुई थी हरियाणा में और किसने की थी। तो कब हुई थी? 1 जुलाई 1996 में। और किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। परंतु मार्च 1998 में इस कानून को हटा दिया गया। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि शराबबंदी कानून कब वापस से हटाया गया था और कब लागू किया गया था। तो ये 1998 में हटाया गया था। चौधरी बंसीलाल ने ही 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। भाई कब की थी? 1996 में। किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। ये 1975 में रक्षा मंत्री बने, 1984 में परिवहन मंत्री बने और 1985 में रेल मंत्री बने। ये तीनों क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे कम उम्र के यानी कि 41 वर्ष की उम्र में हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ही बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और आपको किसी न किसी आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण किले व उनके निर्माणकर्ता। तो गोहाना का किला, इसका निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान जी ने। माधोगढ़ का किला स्वाई माधो सिंह ने। पलवल का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। सोना का किला राजा सोहन सिंह ने। जींद का किला 1775 में गजपत सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? गजपत सिंह ने। एक बात नोट करने वाली है, लिख लीजिए इसे, वल्लभगढ़ में स्थापित राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण कार्य कल्लू राजा के पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। भाई किसने करवाया था? कल्लू राजा के पुत्र किशन सिंह ने। इसमें अजीत सिंह व बल्लू नाम के दो गेट हैं। कौन कौन से दो गेट हैं? बल्लू और अजीत सिंह। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा से संबंधित मुख्य गायक व संगीतकार, तो क्या क्या रहा है देख लीजिए। पंडित जसराज जी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। 1930 में हिसार में इनका जन्म हुआ। सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। कल्लन खां ख्याल गायक हैं। गुड़ियानी रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। जोराबाई जी गज़ल गायिका रही है हमारी, और अम्बाड़ा से संबंध रखती है, यानी कि अम्बाड़ा ज़िले से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हमारे, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही पूजनीय रहे हैं चौधरी छोटूराम जी। इन्होंने हरियाणा में जो किसानों के लिए किया वो किसी ने कभी नहीं किया होगा। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ। जन्म स्थान गढ़ी सापड़ा रोहतक में, अब इसका नाम बदलकर सर छोटूराम नगर रख दिया गया है इनके गांव का नाम। वकालत की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इन्होंने वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक
जाट गजट का प्रकाशन किया था भाई? कब किया था? 1916 में। कहाँ से किया था? रोहतक से। किसका संपादन किया था? उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का। ठीक है भाई, याद करना है। 1923-24 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी यानी जमींदार लीग का गठन किया। किसने किया? चौधरी छोटूराम ने। किसके साथ मिलकर किया? फजले हुसैन के साथ मिलकर। कब किया? 1923-24 में। किसका गठन किया? जमींदार लीग का या यूनियनिस्ट पार्टी का। वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1937 में। 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब हुआ? 1938 में। किसने किया? चौधरी छोटराम जी ने। जून 1945 में लाहौर में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। चौधरी छोटूराम जी का निधन कब हुआ? जून 1945 में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। किस वजह से हुआ? हृदय गति रुकने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थानेसर, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1650 में करवाया था। शेख चिल्ली शाहजहां का धर्मगुरु था। इसके मकबरे आगे पढ़ते हैं, को हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। थानेसर को गुलामों का द्वीप भी कहा जा मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है, सॉरी, थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेसर को प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में जो थानेसर है वो पहले राजधानी हुआ करता था हर्षवर्धन के टाइम पे, और अवेनसोंग ने इस नगर का भ्रमण किया था। किसने किया था? अवेनसोंग ने। कब किया था? हर्षवर्धन के काल में, और अपनी पुस्तक में इस नगर की विशेषता के बारे में लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पशुधन बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से की थी। उस समय कृषि मंत्री हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, और वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि SC BC कैटेगरी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा किया गया है, और जो छोटे पशु हैं हमारे जैसे कि भेड़ बकरी और सूअर, भेड़ बकरी और सूअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा भाई। इस योजना के तहत इस योजना में लगभग 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है। पीछे का इतिहास उठा के देख लो, किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा पश्चिमी यमुना नहर। ये हमारी सबसे बड़ी नहर है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाड़ा यमुनानगर, ताजेवाड़ा नामक स्थान यमुनानगर में अथनीकुंड बैराज बनाकर, अथनीकुंड बैराज नामक स्थान से निकाली हुई यह नहर अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और सिरसा जिले तथा दिल्ली व राजस्थान के कुछ भागों में सिंचाई करती है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। तो इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पूछा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। प्लीज़ कृपया करके इन्हें याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कुंजपुरा सैनिक स्कूल, कुंजपुरा सैनिक स्कूल कहाँ है? हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया है भाई। कहाँ किया गया? करनाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में पठान शासक निजाबत खां ने की थी। कब की थी? 1961 में। किसने की थी? पठान शासक निजाबत खां ने। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हरियाणा GK भाई दीपक सर के नाम से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वल्लभगढ़ के नाहर सिंह। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी अधिकारी साबर द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? 6 दिसंबर 1857 को। तथा 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक, कहाँ है चांदनी चौक? दिल्ली में।
इन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। अब पढ़ेंगे हरियाणा से संबंधित कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो सबसे पहला नाम आता है नाहर सिंह जी का, ये बल्लभगढ़ के थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये सभी 1857 की क्रांति के हमारे योद्धा हैं। नवाब अब्दुल रहमान खां, इन्होंने झज्जर से हिस्सा लिया था, झज्जर का नेतृत्व किया था। नवाब अहमद अली गुलाम खां, इन्होंने फर्रुखनगर में नेतृत्व किया था। नवाब नूर समंद खां, इन्होंने रानिया से नेतृत्व किया था। राउतला राम जी ने रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। वैद्य लेख राम जी ने हिसार से नेतृत्व किया था। इनमें से भी किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के। बाल मुकुंद गुप्त, झज्जर से नेतृत्व किया था। राय बहादुर लाला मुरलीधर ने पलवल से, पंडित नेकराम शर्मा जी ने रोहतक से, पंडित श्रीराम शर्मा जी ने झज्जर से, और लाला दुनीचंद ने अम्बाड़ा से नेतृत्व किया था। और एक बात नोट करने लायक है कि वैद्य लेखराम जो थे, जिन्होंने हिसार से नेतृत्व किया था, वो हिसार के ही रहने वाले थे और बम बनाने में एक्सपर्ट थे भाई, वो बम बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अम्बाड़ा में एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर बम इन्होंने ही रखा था, तो ये बम बनाया करते थे भाई, इन्होंने बाहर से बम बनाना सीखा था। और जो हरियाणा कलर्क के एग्जाम हुए हमारे सितंबर महीने में 2019 में, उनके हरियाणा जीके के क्वेश्चन की मैंने विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूरज कुंड। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय, अर्थात यही इनका दूसरा नाम है सूरजमल तोमर, ने करवाया था भाई। सूरज कुंड की आकृति उदय होते हुए सूर्य जैसी है। कैसी आकृति है? जो जब सूर्य निकलता है जो आकृति बनती है वैसी है। इस सरोवर के तल पर व्यास, इसका व्यास जो है वो लगभग 130 मीटर है। यह पर्यटक स्थल दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। सूरजकुंड के साथ ही एक ताल है जो पहाड़ियों से घिरा है। यह मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। सूरजकुंड का मेला फरवरी माह में लगता है, जो फरीदाबाद में अवस्थित है। सूरजकुंड कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। इसमें एक सूरजकुंड का मेला लगता है जो कि हमारे फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं सॉरी। गुरुग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में सर्वप्रथम सेज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के तहत सर्वप्रथम निवेश किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेज कहाँ है या सेज की फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुरुग्राम जिले में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा जो टैक्स मिलता है हरियाणा सरकार को वो गुरुग्राम से मिलता है। और अब हरियाणा सरकार $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। कहाँ करने जा रही है? वो गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। पानीपत के बाहौली में 1980 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। यह देश का अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना है, हरियाणा का नहीं देश का। इसका अन्य नाम पानीपत तेल शोध कारखाना भी है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि पानीपत का तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, तो बाहौली में। इसकी स्थापना कब की गई? 1980 में। चलिए इस क्लास का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह बहुत ही सुसज्जित गोल्फ मैदान है। इसका डिज़ाइन अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है। यह खिलाड़ियों के लिए खेलने का अच्छा मैदान है। यह गोल्फ मैदान 9 होल वाला है और यहाँ पर एक क्लब भी है। यह गोल्फ मैदान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से सटा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अरावली गोल्फ मैदान किस राजमार्ग पर पड़ता है, तो ये 2 पर पड़ता है। और इसका डिज़ाइन किस जैसा है? अमेरिका के गोल्फ मैदान के जैसा है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास समाप्त होती है। भगवान करे आप सबका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद संतोष को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।